कुछ ही दूर पर शौचालय है, पर क्या करें, ये अपनी आदत से मजबूर है। आदत से मजबूर है। हालांकि सिर्फ घर पर लोगों का ही नहीं, पढ़े लिखे लोगों का भी यही हाल है। यही हाल है। अब इस रईस गाड़ी को ही देख लीजिए। देखने में भी सुंदर है, बड़े प्यारी लगती है। क्या तुम्हें ये काम शोभा देता है? अरे अकड़ को देखो इस लड़की की। एक्सक्यूज मी, यहाँ ऑलरेडी इतना कूड़ा है, थोड़ा और उतारे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? होगा तो कुछ नहीं, बच्चे हमारे बीमार होंगे, अस्पतालों के बिल हमें भरने पड़ेंगे, तुम तो अपने बड़े बड़े घर में सुरक्षित रहोगे। देखिए तो शर्म अभी नहीं आई। ऐसा लगता है जैसे इस गंदगी में इनकी कोई भागीदारी हो ही नहीं। इतना पढ़ कर लिख कर भी क्या सीख पाए अगर अपने देश की इज्जत करना ना सीखे। सेल्फी के क्रेज का तो क्या ही कहना है सलाम, युवाओं के तो सर चढ़ कर बोल रहा है। मजाक की बात तो ये है कि इसने स्वच्छता अभियान को भी नहीं छोड़ा। अब इन लोगों को ही देख लीजिए। और भाई क्या हाल है? अरे यार सब ठीक है। और बताओ। और चल देख पूरी कूड़ेदारी का दूर कहाँ जाए। अरे वो तो रहा, पर इतनी दूर जाए तो ठीक से फेंक देते हैं। अरे नीचे गिर गया यार। नहीं होती आज से स्वच्छता दिवस है। हाँ यार चल हम भी कुछ सफाई कर लें। सफाई क्या करनी यार, फोटो खींचती सोशल मीडिया पे डालेंगे तो क्या काम। वही तो, सिर्फ हम दोनों करने से क्या होता, कोई तो कुछ करता ही नहीं है। आज चल को अंकल के साथ वाला दिन अंकल छाड़ देना। अंकल क्या पता फोटो खींचवाएंगे? रुक जा मैं इसको डाल देती हूँ। हैशटैग स्वच्छता। इतने नेक बच्चे हैं, आज के जमाने में ऐसे बच्चे निकल जाते हैं। अरे रुको सुनो, ये भगवान सेल्फ वाली लेकिन सफाई तो की नहीं, पता नहीं देश का क्या होगा। अरे आजकल के बच्चे भी ना सिर्फ काम बढ़ाना चाहते हैं, काम को बढ़ाना। इस देश की नई पीढ़ी तो बस गंदा करने में लगी रहती है, पता लगता है देश की राजधानी को कूड़ा घर बना के छोड़ देंगे। अब तो हमको ही कूड़ा उठाना पड़ेगा। चलो नहीं होगा कुछ भी जब तक बदलोगे नहीं अपनी सोच। आज हम तो कल कोई और आकर समझाएगा, ऐसे नहीं तो किसी और तरह से समझाएगा। हम तो बस जरिया है जनाब, समझना तो आप सबको खुद ही पड़ेगा। न जाने हम अपनी सरकार को क्या क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसने ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। क्या कभी खुद ने सोचा है कि मैंने क्या किया? राह में पड़ा कूड़ा तो सब देखते हैं, राह में पड़ा उठाने का फिर भी सब 2 मिनट के लिए सोचते हैं। क्या अजीब कहानी है हमारी भी, कूड़ा डालने में शर्माते नहीं, कूड़ा उठाने में शर्म आ जाती है। स्वच्छ अभियान का ये स्वच्छ जन अभियान जाग रहा है हिंदुस्तान। गली मोहल्ला और मकान जल जल पहुँचे ये पैगाम। स्वच्छ भारत की जिम्मेदारी हम सबकी है भागीदारी। स्वच्छ भारत की जिम्मेदारी हम सबकी है भागीदारी। हम आशा करते हैं कि हमारे इस छोटे से प्रयास से आप सबके जीवन में कोई ना कोई बदलाव जरूर आएगा, और शायद कुछ ही सालों में क्या कुछ ही महीनों में भारत स्वच्छ जरूर होगा। सोचो अब नहीं तो कब सोचोगे, 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 सोचो अब नहीं तो कब सोचोगे।